हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास फिर कुछ नया नया आइटम बनाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा हो गया है। और वो इस तरह से है कि जो क्विल्टिंग हम करते हैं तो उसमें से ये देखिए क्विल्ट किए हुए हैं सब, और इस तरह से पीस बच जाते हैं कटिंग में, तो मैं इनको भी नहीं फेंकती हूँ और इनसे भी कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो आज जो बनाने जा रही हूँ फिर आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें कुछ इस तरह से ट्रैंगुलर शेप की, ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी थी तो मैंने इनको ट्रैंगुलर शेप, छोटे बड़े जो भी मुझे मिल गए हैं अलग अलग टाइप में, अलग अलग साइज़ में, सब मैंने ठीक करके रख लिए हैं। ये छोटा है, कोई बड़ा है, और इस तरह से लंबी पट्टियाँ भी हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं। ये देखिए छोटी बड़ी पतली चौड़ी हर तरह की मेरे पास पट्टियाँ हैं। तो इन सबसे आज हम कुछ नया बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने ये पीस हैं इनको अपोजिट कलर रखते हुए आपस में, और इसको हम सिंपल इस तरह से, इस तरह ट्रायंगुलर शेप की तरफ से मिलाते हुए इसको हम सिल देंगे। जितने हैं पहले सबको सिल लेना है। ये कुछ इस तरह से हम इसको जोड़ते चले जा रहे हैं, ये देखिए। तो जितने भी ट्रायंगुलर शेप के पीस हैं पहले हम इनको सब जोड़ के रख लेंगे। और ये इस तरह हमने कुछ जोड़ लिए, एक आध बच गया इसको हटा देंगे। और अब ये जो पीस हमने सिल लिए हैं इस तरह से, ये देखिए काफ़ी हो गए हमारे पास। और अब जो ये सारे हमने ट्रायंगुलर शेप आपस में इस तरह से जोड़ लिए हैं, जो थोड़े से ज़्यादा बढ़े हुए हैं इनको हम यहाँ पर इस तरह से सीधा कट कर सकते हैं, ताकि सिलने में एक, ये देखिए इस तरह से सीधा कर लेना है इनको, सारे कॉर्नर इसके बराबर कर लेंगे ताकि सिलने में एक सुंदरता आ जाए, थोड़ी सफाई आ जाए। अब ये सारे पीस हमने सही कर लिए हैं। अब हमारे पास जो सीधी पट्टियाँ थी गोल्डेड उनको लेंगे। अब जैसे पतली पट्टी है, कोई भी एक पट्टी उठाएंगे, इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। इसको यहाँ बराबर से कट कर देंगे। इसको जोड़ने के बाद फिर कोई एक ट्रायंगुलर शेप वाला पीस लेंगे, इसके साथ यहाँ जोड़ देंगे। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, बीच में प्लेन और किनारे ट्रायंगुलर शेप। अब फिर एक कोई दूसरी पट्टी लेंगे, चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ ली है, इसको यहाँ जोड़ देंगे। इसको भी बराबर से कट कर देंगे। दूसरा शेप रखेंगे। ये हमने यहाँ पर तीन इस तरह से जोड़ लिए हैं, 1 2 3, ये लंबी पट्टियाँ हैं। तो अब ये तीन यहाँ जोड़ी हैं तो इसको गिन लेंगे हम कि हमारे पास कितने हैं। तो एक लाइन थ्री पीस की ये बन जाएगी, एक लाइन थ्री पीस की ये बन जाएगी। तो गिनती कर करके इसको जोड़ देंगे। तो हमारे पास ये दो पीस एक्स्ट्रा बच रहा है, तो अभी इसको हम किनारे कर देंगे। तो पहले हम
एक दो तीन और ये चौथी, ये पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे सेम प्रोसीजर में पट्टियाँ जोड़ते हुए। और ये हमने चार पट्टियाँ तैयार कर ली इस तरह से, छोटी छोटी सीधी वाली लगा के और बाकी ट्रायंगलर शेप वाली। अब जो ये हमारे पास और पट्टियाँ हैं इनको लेंगे और इसको यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे। अब इस पट्टी में ये जो हमने तैयार किया है इसको जोड़ देंगे पूरा लंबाई से। अब इस लंबी पट्टी के साथ ये जो पीस जोड़े थे इनको लगा देंगे। अभी सारे पीस जुड़ गए हैं। अब ये जो हमारे पास लंबी पट्टियां हैं इनको हम एक लंबी पट्टी बनाएंगे सब जोड़कर। और ये हमारे पास काफ़ी लंबी पट्टी तैयार हो गई है। अब अभी हमने यहाँ लंबी पट्टी जोड़ी थी, अब इस इन पट्टियों को एक बार इधर जोड़ेंगे, इधर कट करेंगे, फिर इधर जोड़ेंगे, फिर कट करेंगे दोनों तरफ से पट्टियों को जोड़ते हुए। ये भी कुछ इतना चौड़ा हुआ है हमारा पीस और अब इसमें एक एक और जोड़ देंगे। इधर भी दो पट्टी हो गई, इधर भी दो पट्टी हो गई। अब हमारे पास ये ज़्यादा नहीं बचा है तो इसको हम यहाँ पर एक साइड में जोड़ देंगे, एक साइड इधर जोड़ देंगे, एक ही साइड इधर जोड़ देंगे। ये इतना पीस बचा जो अब कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता और इसको हमने इस तरह पूरा कर दिया।
और इसका साइज़ अब कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमने कई तरह के पीसेस में मिलाए हैं। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा स्क्वायर में आ गया है और सारे पीस हमारे जुड़ गए हैं अपने आप में। एक प्रिंट इसकी तैयार हो गई है इस तरह से, और पीछे से ये कुछ इसकी सिलाई की लुकिंग दिखाई देगी। लेकिन अब इसे हमें कवर करना है, तो इसके नाप का मैं लाइनिंग लूँगी। तो मैं लाइनिंग लेके आती हूँ, फिर आगे काम करते हैं। और हमने यहाँ पर इसके लिए लाइनिंग थोड़ा बढ़ा कर ली है। तो अब जैसे हम क्विल्ट करते हैं सेम प्रोसीजर में हमें इसको शुरू करना होगा। पहले एल शेप में सिलेंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे सिलाई हुई है वैसे वैसे इसको सिलाई कर देंगे। अब ये जो पट्टी जोड़ी थी पहले हम इस पे एक सिलाई कर देंगे। अब इसके बाद इधर वाली जो पट्टी लगी है तो ये सिलाई हो चुकी है। अब इसमें करना है और इसमें करना है। इन दोनों को करने के बाद फिर हम ये जो बीच में पट्टी लगी है इस पर हम मशीन चलाएंगे। तो पहले इधर कर देंगे। ध्यान दीजिए कि ये जो पट्टी है अभी हमने इस पे मशीन यहाँ पर नहीं चलाई है, केवल जो बीच की पट्टियाँ हैं उनमें हमने मशीन चलाई है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये सिलाई ये सिलाई ये सिलाई। और अब ये जो बीच वाली पट्टी है इस पर मशीन चलाएंगे। आपने देखा मैंने यहाँ पर जोड़ लगाया, क्योंकि ये इतना मोटा हो चुका है क्विल्ट कपड़ा कि इसने पीछे बैक साइड में कपड़े का खिंचाव लाइनिंग का खिंचाव ले लिया, इसलिए मुझे यहाँ पर भी और जोड़ लगाना पड़ा। अब ये सही है, अब बाकी की फिनिशिंग भी दे देंगे। और ये सारे पीस हमने जोड़ दिए और कुछ इस तरह से इसको तैयार कर लिया। जैसे जैसे लंबी पट्टियाँ थीं बस उतनी उतनी दूर पे हमने मशीन चलाई है, और बीच में कहीं भी ये जो जोड़ आए थे बकायदा इनमें हमने कहीं कोई सिलाई नहीं की है। अब इसमें हम चारों तरफ पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग बिल्कुल मैंने अलग कलर में ली है, कंट्रास्ट में। तो अब इसको हम चारों तरफ जोड़ देते हैं। एक एक साइड की पाइपिंग अलग अलग चढ़ाएंगे, एक साथ पूरी नहीं चढ़ाएंगे।
ये इतनी हैवी हो गई है बनने के बाद, देखिए कलरफुल कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इसको हमने बचे हुए कपड़ों से बनाया है। और इसका हमारा साइज़ सब कुछ जोड़ने के बाद आ रहा है 18 और 16, 16x18 का एक पूरा साइज़ निकल के आया है। और काफ़ी इसको अगर हम अलग अलग टुकड़े सोच करके बनाना चाहें तो शायद इस तरह से नहीं बना पाएंगे। और इस तरह से बचे हुए कपड़ों को हमने इस तरह से इस्तेमाल किया, पीछे से पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है, सब कुछ कवर कर दिया है। अब आप चाहे लॉन में बैठ के किताब पढ़िए, चाहे मूंगफली खाइए जाड़ों में, चाहे कुर्सी पे डालिए, चाहे पूजा के लिए रखिए, छोटी सी कारपेट आज आपके लिए फिर एक तैयार है। उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।